बहराइच में मिशन भुगतान यात्रा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने सहारा समेत कई बड़ी कंपनियों के द्वारा भुगतान न किए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी बहराइच को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सहारा समेत बड़ी कंपनियों के द्वारा जाम किए गए पैसों को लंबे समय से भुगतान न होने से देश के कई हिस्से के लोग परेशान हैं। अपनी जमा पूंजी को, अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए लोगों ने इन कंपनियों की लुभावनी स्कीमों में इन्वेस्ट किया था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी इन लोगों को ये कंपनियाँ कोई पैसे नहीं दे रही हैं, जिसको लेकर ये लोग न्यायालय की शरण में भी गए हैं, जहां से न्यायालय द्वारा बहराइच पुलिस को इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद पांडे है। कहां के रहने वाले? पुरवा बहराइच से हूं। क्या प्रकरण है आप लोग डीएम कार्यालय में? हम लोग सहारा से हैं, सहारा में जमाकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी है। काफी समय से हम लोग इसमें काम कर रहे थे, जिससे कंपनी काफ़ी समय से 5-6 वर्षों से भुगतान नहीं कर पा रही है। ना जमाकर्ता का ना कार्यकर्ता का कमीशन पेमेंट हो पा रहा है। इस वजह से हम लोग पीड़ित हैं और न्यायालय की शरण में गए। जब सहारा ने पेमेंट नहीं किया तो हम लोग न्यायालय की शरण में आए, जिससे यहां से कोर्ट से आदेश हुआ कि FIR की जाए, जिसको काफ़ी समय से 17 दिन हो चुके हैं। और जो मोतीपुर थाना अध्यक्ष महोदय हैं वो रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं और हम लोगों को SP जी के पास भेज रहे हैं, कहें SP साहब से मिलिए तभी आपका मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने रोक रखा है। तो आज आप DM ऑफिस में आए हैं किस बस इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हम माननीय महोदय के पास, DM साहब के पास, कि हम लोगों की FIR दर्ज हो और सहारा से जितने भी हमारे पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता परेशान हैं उनका भुगतान कराया जाए, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी सकुशल जी सकें। क्योंकि कार्यकर्ता को जमाकर्ता भी परेशान कर रहा है और अपनी जो स्थिति है उससे हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम इंद्रजीत उपाध्याय है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डान पारा का रहने वाला हूँ सर। आज आप लोग यहाँ DM ऑफिस में आए, क्या कारण? जी DM ऑफिस में आए हैं कि यहाँ सहारा से संबंधित जो मैंने पैसा जमा किया है उसके लिए आए हैं DM साहब के पास। चूँकि आपको बता दूँ कि मैं लगभग 30 साल मैंने सेना में नौकरी किया और रिटायर्ड होने के बाद मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने सहारा इंडिया में डाल दिया, बल्कि ये सोचिए तो पूरा जिंदगी की कमाई ही मैंने डाल दिया है और अभी ठगी का शिकार हो गए, नहीं मिल पा रहा है। इसी हमको कहीं से राहत मिल जाए, हम DM साहब के पास आए हैं।